राजधानी भोपाल और इंदौर, ये दोनों जगह से बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश में संक्रमण तेजी से अपने पैर पसार रहा है, अपनी रफ्तार को बढ़ा रहा है, रॉकेट की रफ्तार से संक्रमण बढ़ रहा है। एक्टिव केसों की संख्या 13,000 के पार पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि 50 जिलों में संक्रमण फैल गया है। कल तक 46 जिले थे, आज 50 हो गए। 40 गुना रफ्तार के साथ केस बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में अगर इंदौर और भोपाल के आंकड़ों की बात की जाए तो एक बड़ा विस्फोट माना जा रहा है। इंदौर की अगर बात करें तो ये पहला हॉटस्पॉट है, 1,169 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि भोपाल में 572 नए मरीज सामने आए हैं। इंदौर में 10,361 और भोपाल में 8,807 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से इंदौर में 4,825 और भोपाल में 2,441 एक्टिव केस की संख्या बताई गई। इसी पर हम अधिक जानकारी के लिए जुड़ेंगे अविनाश वर्मा, इस भारत के संवाददाता, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अविनाश जी, कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, डेल्टा क्रोन भी आ गया है, अब तो लगातार देखा जा रहा है कि संक्रमण बढ़ रहा है, रॉकेट की रफ्तार से हर दिन एक महाविस्फोट होता है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कोरोना को लेकर? बिल्कुल पिंसी, आपको बता दें कि जिस तरीके से पहली और दूसरी लहर में इंदौर सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीजों की संख्या वाला जिला बन के उभरा था, और ऐसा ही कुछ ट्रेंड इस बार भी देखने को मिला है। जब जिस तरीके से संख्या बढ़ने की तलाश शुरू हुई थी उसके बाद से ही लगातार जो है इसका ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 1169 एक बहुत बड़ा आंकड़ा है प्रिंसी, इंदौर के लिए चिंता का विषय है। 1169 मरीज जो हैं वो इंदौर जिले में पिछले 24 घंटों में मिले हैं। वहीं बात कर ली जाए सैम्पलिंग साइज की या कोविड टेस्ट की, तो 10,000 से अधिक जो है लोगों का यहाँ पर कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसमें से ये जो आंकड़ा है 1169 ये सामने निकल कर आया था। लगातार लोगों को से अपील की जा रही है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, लगातार प्रयास किया जा रहा है जिला प्रशासन द्वारा, सोशल गैदरिंग ना हो, भीड़ भाड़ ना बढ़े, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोग जाने से बचे, इसको लेकर भी जन जागरूकता की जा रही है। लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं चिंता का विषय ज़रूर हैं। लापरवाही लोग जो बरत रहे हैं मास्क को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, उसका असर अब देखने को मिल रहा है। लगातार जो है 1169 का जो आंकड़ा है वो अब इंदौर पार कर चुका है। इंदौर को जो जिस तरीके से अभी तक 3 डिजिट की संख्या आ रही थी, वहीं अब जो संख्या है ये 4 डिजिट में पहुंच चुकी है। और जिस तरीके से यहाँ पर जिम्मेदारों ने संभावनाएं जताई थी कि इंदौर में 5,000 का आंकड़ा भी अगर गाले ये जो इंदौर का जो संक्रमित मरीज हैं वो छू लें तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, तो तकरीबन इंदौर शहर उसी तरफ अग्रसर हो रहा है प्रिंसी। और जिस तरीके से बात कर ली जाए यहाँ पर एक्टिव मरीजों की संख्या में, तो एक्टिव मरीज भी तकरीबन बढ़कर 4,000 से अधिक हो चुके हैं, जो एक चिंता का विषय है। और इंदौर में वर्तमान की बात कर ली जाए तो 2,500 के जो बेड हैं वो अलग अलग कोविड केयर सेंटरों में यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, ताकि लोगों को ज़रूरत पड़ने पर वहाँ पर शिफ्ट किया जा सके। फिलहाल वर्तमान में जो है वो होम आइसोलेशन की पद्धति जो है, होम आइसोलेशन की प्रक्रिया जो है उसको अपनाया जा रहा है, जो ज़्यादातर लोगों को होम आइसोलेशन में डाल रहे हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर बात कर ली जाए अन्य जो कोरोना संक्रमित मरीजों की, तो जो अधिकतर जो लोग हैं वो उनको दोनों ही डोजों के वैक्सीनेशन किया जा चुका है, माइल्ड सिम्टम्स हैं उनके, तो उनको फिलहाल किसी तरीके की ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। लेकिन जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है वो कहीं ना कहीं इंदौर शहर के लिए एक चिंता का विषय जरूर है प्रिंसी। लगातार देखा जा रहा है संक्रमण तो बढ़ रहा है, पर जो हॉस्पिटल्स में जरूरत पड़ी थी पिछली बार देखा गया था दूसरी लहर में किस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत मची थी, हाहाकार मचा था, ऑक्सीजन बेड्स पर्याप्त नहीं थे, कोविड सेंटर पर्याप्त नहीं हो पा रहे थे, पर उसके बजाय अगर देखा जाए तो तीसरी लहर में ना ही तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है और ना ही हॉस्पिटलाइज होने की इतनी जरूरत पड़ रही है, तो ये एक राहत की खबर मानी जा सकती है। और उसी बीच ये देखा जाए तो जिले में 12वीं मौत दर्ज की जा चुकी है। बिल्कुल पिंची, आपको बता दें कि जिस तरीके से इंदौर शहर के संक्रमण की अगर बात करें, पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इसकी समीक्षा की थी, और समीक्षा के दौरान उन्होंने यह भी कहा था कि जो भी व्यक्ति हैं, जो भी संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है, ये डराने वाला ज़रूर है, लेकिन इसमें राहत भरी खबर यह है कि ज़्यादातर लोगों को हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, या तो वो होम आइसोलेशन या तो कोविड केयर सेंटर के माध्यम से उपचार पा रहे हैं। और जिन लोगों को हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता पड़ भी रही है उनको इतनी ज़्यादा जो मात्रा में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है जो दूसरी लहर में देखने को मिला था, जो दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट ने जो तबाही मचाई थी, जो हाहाकार मचाया था, उतना फिलहाल जो स्थितियां हैं वो नज़र नहीं आ रही हैं। राहत भरी खबर इस पूरे कोरोना काल में यही है कि जो लोग हैं अभी हाहाकार नहीं मचा है, हाहाकार की स्थितियाँ नहीं बन रही हैं, लोग लगातार जो है वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, वैक्सीनेशन के प्रति जन जागरूकता की जा रही है, लगातार जो है शासन प्रशासन का प्रयास है कि लोग
कोरोना के प्रति सावधानी बरतें, जिम्मेदारी बरतें और इसी का प्रयास लगातार किया जा रहा है। अविनाश जी, तीसरी लहर में आशंका जताई गई थी कि बच्चे संक्रमित होंगे और देखा भी जा रहा है, जैसे कि भैया सत्या ने बताया है कि लगातार बच्चे संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं, बच्चों को होम आइसोलेट किया जा रहा है, कुछ बच्चे एडमिट हुए हैं, पर यह जानना यहाँ जरूरी है क्या बच्चों का होम आइसोलेशन में प्रॉपर इलाज हो रहा है? और साथ ही साथ हॉस्पिटल में तो टेक केयर करने के लिए नर्सेज होती हैं, पर क्या होम आइसोलेशन में डॉक्टर उनसे संवाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं दिन में दो बार? जी बिल्कुल, जिस तरीके से होम आइसोलेशन की बात करें तो एक प्राथमिक रूप से ही एक लिंक जो है वो कोरोना संक्रमित मरीज को दे दी जाती है, जिसके माध्यम से जो प्रत्येक घंटे की जो मॉनिटरिंग है, यहाँ पे जो कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया गया है कोरोना को लेकर, उसके द्वारा ली जाती है, तमाम जो लिंक प्रोवाइड करा दी गई है ताकि समय समय पर उनके उपचारों के बारे में जानकारी मुहैया कराई जा सके, जानकारी एकत्रित की जा सके, उनकी सेहत पर मॉनिटरिंग की जा सके और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें होम आइसोलेशन से अस्पताल में शिफ्ट किया जा सके, समय रहते उनका बेहतर उपचार जो है अस्पतालों में शुरू किया जा सके, इसको लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। कुल मिला के कोरोना ने जितनी तबाही पिछली दूसरी लहर में मचाई थी उसकी अंदेशा इस बार नहीं है, उसका अंदेशा जिस तरीके से जताया जा रहा था मल्टीप्लिकेशन का या संक्रमण दर का, वो संक्रमण दर जरूर आ रही है लेकिन इतनी खतरनाक जो पिछली कोरोना की दूसरी लहर थी वो तीसरी लहर खतरनाक साबित नहीं हो रही है, लेकिन जो संक्रमण की जो रफ्तार है वो काफ़ी अधिक है पिछले दो बारों की तुलना में। प्रिंसी, अब सवाल यहाँ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का उठता है, जीनोम सिक्वेंसिंग का उठता है। अविनाश जी, कल खबर थी कि 200 पेशेंट करीबन कोरोना पेशेंट गायब हैं, लोग लापरवाह हैं और साथ ही साथ जब वो टेस्ट कराने जाते हैं तो अपना नाम पता गलत लिखवाते हैं, क्या यहाँ पर जो लैब्स हैं वो आधार कार्ड के बेसिस पे टेस्टिंग के दौरान उनके नाम या फिर पता नहीं लिख रही है? देखिए, जिस तरीके से पूरा प्रयास जो है यहाँ पे जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कर रही है और जिस तरीके से बात कर ली जाए जीनोम सीक्वेंसिंग या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, तो युद्ध स्तर पर इसको लेकर भी काम किया जा रहा है, लगातार जो है बाहर से आने वालों के सैंपल को दिल्ली भेजा जा रहा है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए और इसी को लेकर प्रयास जो है स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन सतत कर रहा है कि इंदौर में जिस तरीके से जो मॉनिटरिंग की जा सके, जो ट्रेसिंग की जा सके, इसको लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। प्रिंसि अविनाश जी, यहाँ बूस्टर डोज का भी सवाल उठता है, आपसे ये जानना चाहेंगे 60 से जो ऊपर के लोग हैं उनको बूस्टर डोज यानी कि प्रिकॉशन डोज लगाया जा रहा है, फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाया जा रहा है, किशोरों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है, क्या इंदौर में उसका अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, क्या उसका अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है? बिल्कुल प्रिंसी, इंदौर में वैक्सीनेशन को जिस तरीके से पूर्व में बात कर लीजिए अच्छा प्रतिसाद मिला था, वहीं अभी जो दौर लगातार जारी है 166 से अधिक जो है वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं इंदौर में और कल की अगर बात करें तो तकरीबन 10,000 लोगों ने अपना जो है कोविड का टीकाकरण लिया था, जिसमें 5,000 से करीब लोग वही थे जिन्हों को प्रिकॉशन या कहें कि बूस्टर डोज लगाया गया था। वहीं अगर जो विद्यार्थियों की संख्या की बात करें, 15 से 18 वर्ष के बच्चों की बात करें, तो उनके द्वारा भी तकरीबन इसी जो है बूस्टर डोज के लिए अच्छा प्रतिसाद देखने को मिला है, सॉरी माफ कीजिएगा, फर्स्ट डोज के लिए अच्छा प्रतिसाद देखने को मिला है। 15 से 18 वर्ष के जो किशोर हैं, जो युवा हैं, वो भी वैक्सीनेशन के प्रति आगे आ रहे हैं, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को विश्वास जताना पड़ेगा कि जो वैक्सीनेशन है यही एकमात्र सुरक्षा कवच है कोरोना से बचने के लिए, कोरोना के घातक प्रहार से बचने के लिए। हालांकि इस वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को अगर संपर्क में आते हैं तो कोविड ज़रूर होगा लेकिन उसकी जो तीव्रता है, उसकी जो घातक क्षमता है वो उतनी नहीं होगी जो दूसरी और पहली लहर में थी, या जो बिना वैक्सीनेशन वालों को इसको लेकर जो खतरा है वो खतरा कहीं ना कहीं ना के बराबर हो जाता है। प्रिंसि, अविनाश जी, कल ऐसे संकेत दिए गए थे सरकार की तरफ से कि लॉकडाउन लगने की आशंकाएं आ चुकी हैं, पाबंदियां अब बढ़ाई जाएंगी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखा जा रहा है लगातार जो यात्रियों की संख्या है वो कम होती जा रही है, ट्रेन जो है वो स्क्रीनिंग नहीं कर रही है तो उससे भी संक्रमण का दर बना हुआ है, तो क्या कुछ जानकारी आपको इन ट्रेनिंग जो ये ट्रेन है बसेस है इनको लेके क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है, स्ट्रीमिंग स्कैनिंग लगातार की जा रही है, यहाँ पर जिस तरीके से लोग परिवहन की बात करें तो एयरपोर्ट की बात करें, ट्रेन की बात करें या बसों की बात करें, तो लगातार मॉनिटरिंग या सख्ती बरते हुए है, प्रयास किया जा रहा है कि बाहर से आने वाले लोगों में संक्रमण को लेकर इंदौर शहर में ना आए, या फिर इंदौर शहर के कुछ लोग जो बाहर जाते हैं उनको लेकर भी कंपलसरी किया गया है। एयरपोर्ट पर ये फिलहाल जो लागू है लेकिन इंदौर के जो अगर रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करें तो वहाँ भी लगातार RT-PCR और एंटीजन के माध्यम से लोगों की जांच की जा रही है ताकि लोगों को इस संक्रमण से बताया जा सके, इंदौर की जनता को संक्रमण से बताया जा सके, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो साबित हो रहा है कि इंदौर के जो प्रयास है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं और इंदौर में लगातार संक्रमण का दर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है।
आपको बहुत शुक्रिया अविनाशी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी जानकारी साझा करने के लिए। तो हम आपको इंदौर और भोपाल दोनों जगह से खबर बता रहे थे। आपको इंदौर बताया हमने, जिस तरीके से इंदौर हॉटस्पॉट बनके उभर रहा है, मध्य प्रदेश में संक्रमण तो तेजी से रफ्तार बढ़ा रहा है, अपने पैर पसार रहा है, एक्टिव मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। देश की बात करें तो 1 लाख के पार आंकड़ा पहुंच चुका है और ये एक डराने वाली संख्या है। और प्रदेश की अगर बात की जाए तो 13,000 से भी आंकड़ा पार हो चुका है। 50 जिलों में संक्रमण फैल चुका है। कल तक ये आंकड़ा 46 था, मात्र 50 जिलों में संक्रमण फैल चुका है और 40 गुना रफ्तार के साथ केसेस बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में इंदौर और भोपाल में कोरोना का महाविस्फोट हुआ है। इंदौर के आंकड़ों की बात की जाए तो 1,169 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। भोपाल में 572 मरीज सामने आए हैं। इंदौर में 10,361 और भोपाल में 8,807 कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से इंदौर में 4,825 और भोपाल में 2,441 एक्टिव केस की संख्या है। प्रशासन लगातार अपील कर रहा है लापरवाही ना बरतने, पिछली लहर जैसी कोई भी लहर ना हो, तीसरी लहर अभी भयावह स्थिति में नहीं पहुंची है। मास्क लगाइए, गैदरिंग्स में मत जाइए और साथ ही साथ अपना और अपनों का ध्यान रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। फिलहाल इतना ही, बने रहिए इसी भारत पर। नमस्कार।